कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। फकत मेरे दिल से बिछड़ जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। इतना हंसा ना कर, हंसना कमी तुम्हें बर्बाद ना कर दे, तन्हाई के आलम में जरा रो भी लिया कर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ काशान अख्तर और आप देख रहे हैं बकर नेटवर्क। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो कि खुद को तानसेन समझते हैं, और तानसेन क्यों ना समझें, क्योंकि इनकी आवाज़ ही इतनी सुरीली है कि जो भी इनका गाना सुनता है वो इनका दीवाना हो जाता है, और जिनके दिल टूटे हुए हैं जब वो इनका गाना सुनते हैं तो उनके दिलों को सुकून मिलता है, और जब आप भी इनका गाना सुनेंगे तो आपके दिल को भी ज़रूर सुकून मिलेगा। तो आज इनसे बात करते हैं कि इनको सिंगिंग का शौक कैसे हुआ और किस तरह इन्होंने अपने फ़न को उजागर किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तहमूर जट साहब। तहमूर जट साहब, अच्छा क्या करते हैं आप? नाइन्थ क्लास में स्टडी कर रहा हूँ। नाइन्थ क्लास में स्टडी कर रहे हैं, कौन से स्कूल में? न्यू नेशनल कॉलेज में। न्यू नेशनल, ये कौन सा कॉलेज? नेशनल। अच्छा नेशनल, अच्छा कोई नहीं, जमाने से गलतियाँ होती रहती हैं। अच्छा ये बताएं कि आपको सिंगिंग का शौक कैसे हुआ, या किसी सिंगर को देखकर आपको ये लगा कि मैं भी उनकी तरह बन सकता हूँ, या कोई मोहब्बत वगैरह का चक्कर है? बस किसी की मोहब्बत में हुआ है ऐसा। मोहब्बत में? और कौन से सिंगर को आप देख कर मुतासर हुए हैं? रऊफ फतेह अली खान को। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी कोई ऐसा नाम कमाऊँ और इनकी तरह बनूँ, और मेरा भी ऊंचा नाम हो, इसलिए मैं भी कहता हूँ कि रऊफ फतेह अली खान की तरह आवाज़ बने मेरी भी। रऊ नहीं, राहत फतेह अली खान। राहत फतेह अली खान की तरह। कौन से गाने उनका जो आपने सुना है और आप उससे मुतासर हुए हैं? मेरे पास तुम हो। अच्छा मेरे पास तुम हो, और कोई मोहब्बत का चक्कर था? किसने आपको धोखा दिया? बस था कोई एक बेवफा जिसने धोखा दिया। क्यों आपको उसने धोखा क्यों दिया? आप तो इतने टैलेंटेड हैं, इतने खूबसूरत भी हैं, और आपको खूबसूरत भी हैं, क्यों धोखा दिया उसने? बस होती है, कई वजह होती हैं, मुझे तो नहीं पता भी उसके दिल में क्या था क्या नहीं, क्यों भी छोड़ गई वो बेवफाई करके। कोई लव स्टोरी हमें भी तो सुनाएं, किस तरह आप उससे मिले, कहाँ पर, ये हमें भी तो बताएं ना। बस मैं पढ़ता था नाइन्थ क्लास में, वो भी मेरे साथ पढ़ती थी। अब मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ भी ऐसा होगा ज़िंदगी में। वो मेरे साथ पढ़ती थी, मेरे साथ ही बैठती थी, और मुझे नहीं पता था कि वो भी ऐसी। ओए होए, अच्छा अच्छा, कोई नहीं, बस बेवफाई होती रहती है। अच्छा आप ये बताएं कि आप इतने अच्छे सिंगर बन गए, आप हमें अब गाना कौन सा सुनाना चाहेंगे? मेरे पास तुम हो। अच्छा मेरे पास तुम हो तो सुना दें आप, ताकि हम आवाम तक पहुंचा सकें कि कितना टैलेंटेड नौजवान है, और उस लड़की को भी तो पता चले कि मैंने किसको छोड़ा है। तो जी आप हमें आप गाना सुनाएं। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। फकत मेरे दिल से बिछड़ जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। इतना हंसा ना कर, हंसना कमी तुम्हें बर्बाद ना कर दे, तन्हाई के आलम में जरा रो भी लिया कर। अच्छा ये शेर मुझे लगता है आपने मुझ पर पढ़ा है। बिल्कुल ऐसे ही है, आप हंस रहे थे इसलिए मैंने आप पे पढ़ा है। अच्छा सॉरी। अच्छा इसके अलावा भी आप हमें कोई सॉन्ग सुना दें उसकी याद में। मोहब्बत की कहानी में कहाँ ये मोड़ आए हैं, कि जिनको दिल में रखते हैं वही दिल तोड़ जाते हैं, कि जिनको दिल में रखते हैं वही दिल तोड़ जाते हैं। तुम्हारा नाम ले लेकर, तुम्हारा नाम ले लेकर तड़पना क्या, सुलझना क्या। मोहब्बत में ऐसे भी मोड़ आए हैं,
के जिन में जीना क्या सुलझना क्या। हाय मतलब इतनी सुरीली आवाज़ यार, आप उसकी याद में इतने पागल हो गए हैं। अच्छा ये बताएं, जब वो अब आपको देखेगी, आपका गाना सुनेगी, ज़रूर वो मुतासर होगी। अब आपके पास वो वापस आना चाहे तो क्या आप उसे अपना लेंगे? बिल्कुल ही नहीं, मैं उनसे मिलना भी नहीं चाहता। जब भी मिलेगी मैं उनसे दूर ही जाऊँगा, क्योंकि वो मुझे अब बिल्कुल ही नहीं अच्छी लगती। बेवफा के मैं मुँह नहीं लगता। बेवफा के? मगर वो पहले तो आपकी मोहब्बत थी ना? वो पहले वो थी, अब और है। जैसे ज़माने बदल जाते हैं, लोग भी बदल जाते हैं। अब आप भी बदल गए? हम भी बदल गए हैं। अच्छा वो कोई और गाना तो हमें आप सुना दें, क्योंकि हम लोगों को बताएं कि आपकी आवाज़ कितनी प्यारी है और आप लोग आपसे मुतासर हों। आप हमें कोई और गाना सुना दें। अज छड़ जाना तेरा शहर असी कदे फेर परत के आना ना। अज छड़ जाना तेरा शहर असी कदे फेर परत के आना ना। असी रोंदिया टुर जाना, असी रोंदिया टुर जाना, साडा किसी भी दर्द मंडाना ना, साडा किसी भी दर्द मंडाना ना। मैं तो जुलम होया मैं प्यार किता, मैनू मिलया हिजर ससावा ने, हुण लोकां नू कहने फिरने आ। तुसी प्यार किसे नल पौना ना, तुसी प्यार किसे नल पौना ना। अच्छा आपका गाना सुन के मेरे भी दिल में दर्द हो रहा है, मेरा भी जो अंदर का इश्क है वो उजागर हो रहा है। तो आपको सुनाए, आपको शायरी भी आती है, तो हमें कोई एक दो शेर भी सुना दें उसकी याद में। मैं उसी के ऊपर एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि कितनी सच्ची बेवफाई थी तेरे मासूम चेहरे पर, खुदा की कसम हम ही मार मिटे के तुम पे। खुदा की क्या बात है भाई तैमूर जट साहब, क्या बात है। अच्छा कोई और एक शेर सुना दे आप हमें। अब तो जिंदगी भी शराह लगती है, अपने दिल का हाल सुनाऊं भी तो कैसे, जब जख्मों को हवा लगती है। हाय हाय जख्मों को हवा, क्यों आपके दिल की खिड़की खुली हुई है क्या? बहुत बहुत, ये तो उनको पता नहीं, जिनको मोहब्बत होती है उसी के दिल पे चोट लगी होती है, उसी को पता है कि ये दर्द क्या चीज़ है। हाँ हमें क्या पता, हम लोग सिंगल शदीद सिंगल, आप लोग पता नहीं मोहब्बत में टूटे कैसे। और क्या कहना चाहेंगे आप उसको कि जब वो आपको देखेगी कि भाई तैमूर जट साहब इतने फेमस हो गए, अब क्या कहना चाहेंगे आप उसको? बस उसे आप क्या कहना चाहूँगा, उसी की याद में गाए शेर पढ़ना चाहता हूँ कि कुछ याद करके आंखों से आंसू निकल पड़े, कुछ याद करके आंखों से आंसू निकल पड़े, मुद्दत के बाद गुजरे जो तेरे शहर से। हाय आप उसके शहर भी जाते रहते हैं? अरे भाई वाह, कौन सा शहर है उसका, हमें भी बता दे। हम तो बहुत बाहर जाते रहते हैं उसके शहर में, आप ये नहीं बताना चाहूँगा कि कौन सा उसका शहर है, क्योंकि वो देख रही है अभी भी, मुझे देख रही है, मैं जानता हूँ कि वो देख रही है मुझे। देख लो तुमने जिसको छोड़ा है ना, वो अब हीरो बन गया, सिंगर बन गया, देख लो उसको। वो क्या कहना चाहेंगे आप, देख रही है आपको? बस मैंने उसे अब क्या कहना, मैंने जो कहना था वो तो इसे कह दिया, अब मैंने उसे अब क्या कहना चाहता हूँ। जी तो आप लोगों ने तैमूर जट साहब की बातें सुनी कि लड़कियाँ जो हैं बेवफा होती हैं, उनके साथ दिल नहीं लगाना चाहिए। और मैं लड़कियों को पैगाम देना चाहूँगा कि इस तरह के खूबसूरत और खूबसूरत नौजवानों को धोखा ना दिया करें, हर कोई नशाई नहीं बनता, कुछ इस तरह के टैलेंटेड भी होते हैं जो कि सिंगर और शायर बन जाते हैं। इसी के साथ आप देखते रहिए बक्खर नेटवर्क, बहुत ही जल्द एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। कैमरामैन ज़ेबराव के साथ काशान अख्तर, अल्लाह हाफिज़।